लॉकडाउन है, पूरे संपूर्ण तरीके का लॉकडाउन है और देश के अंदर कोरोना बढ़ता जा रहा है। आप आज रोड पर घूम रहे हैं किसके लिए? सर कंपनी ने बोल रखा है। तो कंपनी का परमिशन है आपके पास? हाँ, कंपनी ने नंबर दे रखा है, अगर कोई रोके पुलिस वाले हाँ। तो उस नंबर पर कॉल कर लीजिए आप। कौन सा नंबर कॉल करना है आपको? नंबर बता। वैसे आपको मालूम है ना कोरोना में जाना आना मना है। हाँ। तो कितना चक्कर लगाते हो आप रोड के? लग जाते हैं करीब 10-12 ऑर्डर लग जाते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है ना ई पास अलाउ करना है आपको, आपके लिए ई पास इशू किया हुआ गवर्नमेंट ने, तो ई पास को इशू करवाया आपने? दिखाइए ई पास आपका। नहीं, कंपनी ने ये बोला था अगर पुलिस वाले रोकते हैं हाँ। या भी कोई भी रोकता है मतलब इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। नहीं, कॉल करने का क्या मतलब होता है? आपका ई पास क्यों नहीं है? कंपनी वाले ई पास क्यों नहीं इशू करवाते आपको? ये कंपनी वालों की वो, अगर गवर्नमेंट प्रशासन जो है आपकी इस बात को नागवार करे ना बताए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ई पास के अलावा और किसी चीज़ का मान्यता नहीं दी है। आप फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करेंगे और अगर प्रशासन आपकी नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, तो कुछ नहीं कर सकते ना। फिर आप बताइए आप क्या करें आपके साथ? अब नहीं करूँगा अब इसके बाद। सर ये इसमें नंबर एक बार बात कर लीजिए सर। क्या बात कर लें, तुम्हारे पास परमिशन नहीं है? एक मिनट में कार्ड तो परमिटेड, यहाँ पे परमिशन आप लगा के दूंगे लॉकडाउन के। सर मैं अब लगवा लूं। गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, ई पास दिया हुआ है, आपने ई पास क्यों नहीं लिया? किसी भी प्रकार के फोन को मान्यता नहीं दी गई है। आप फोन पे कैसे सोच के चल दिए कि हम फोन पे बात करा देंगे और आपको मान जाएगा कोई? प्रशासन कैसे मानेगा आपके इस बात को? सर ये देखिए, ये वाला दिया हमें, दिखाइए इंस्पेक्टर साहब को दिखाइए। इसमें लिखा आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। तो खाने पीने की चीज़ें हैं इनका, इनके लिए क्या होना चाहिए फिर? तो ये क्या है, लेटर है या ई पास है, क्या है ये? ये लेटर है ना, ये डीएम साहब का आदेश। ठीक है भाई साहब, आज लॉकडाउन है, संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन है, योगी जी का ऑर्डर है और ये नोएडा में आप इस तरीके से घूम रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर डीएम सर का आदेश है, मेरे पास प्रोग्राम कंपनी से आया हम पे। कौन सी कंपनी से आए हो आप? जोमेटो से। जोमेटो से आए हो, आपके पास कोई ई पास वगैरह है कुछ? दिखाएं जरा। वेट, आपने इंस्पेक्टर साहब को दिखाया? नहीं, अगर आप देखने की बात करें तो लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैं। नहीं, आप प्रशासन को दिखाइए, प्रशासन को क्या दिखा रहे हैं? प्रशासन आपको परमिट कर रहा है? दिखाया हमने अभी, अभी क्या कह रहा है वो, आप जाइए। तो इन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन लगा है, तो अभी संपूर्ण अभी लग गया, तो अभी जा रहा हूँ घर में। अच्छा, तो साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा ठीक है जाओ। ठीक है, आपका लगा कॉपी है किसी की लगी हुई? भाई साहब आज लॉकडाउन है, आज नोएडा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है और आप कार को सड़क पे भगा रहे हैं, आपका क्या कह रहे हैं? भगा रहा हूँ मैं, पहले देखा भगाते हुए, पहले क्या मतलब आप रोड पे चला रहे हैं गाड़ी और आप एक मिनट तुम कैसे खड़े फिर बाहर? चलिए ठीक है, हम लोग तो भाई साहब आप ही सब लोगों के लिए खड़े हुए हैं, आप ही सब लोगों के लिए खड़े हुए हैं। भाई साहब आखिर क्या चल रहा है, कैसे आप लोग गाड़ी रोड पर चलाना आज अलाउ नहीं है? आप कैसे आए हो? हम तो भाई साहब आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं कि आखिर क्यों हो रहा है ये काम? आ जाओ, आप कैसे आए? हम तो भाई साहब इसलिए आए हैं, हम लोगों का तो काम है, हम लोगों का तो काम है। आप आए किससे? हम लोग पैदल आए हैं भाई साहब। पैदल आए हो? देखो भाई साहब आप बताइए। चलिए पैदल जाएंगे। हम लोगों का तो ये है, हम लोगों का तो ये है भाई साहब, हम लोगों का तो ये है, हम लोगों का ये। नहीं भाई साहब, हम लोग तो आपसे ये चाहेंगे कि आप आज आप रोड पर घूम रहे हैं, आज आप रोड पर जा रहे हैं। एक मिनट, भगाते हैं गाड़ी? नहीं नहीं, आप ये बताइए कि आज आप निकल रहे हैं रोड पर, आखिर रोड पर निकल रहे हैं क्या कारण है इसका? किसी को लेने आ सकता नहीं हूँ जो। ठीक है, अगर कोई गाड़ी आपका कोई ई पास परमिशन है आपके पास? परमिशन चाहिए? बिल्कुल चाहिएगा सर। अब गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चाहिए होगा ना सर? हमें नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के प्रशासन को चाहिए। भैया फिर अथॉरिटी में बात कर लेता हूँ, मैं कह दूंगा अगली बार से। भैया मैं नोएडा अथॉरिटी में कह देता हूँ प्रशासन। भैया प्रशासन कह रही है, बात करके बताइए आप। बात करिए, परमिशन परमिशन आपकी लगी हुई है किसकी है? हेलो हेलो, किसी एक के लिए होगी ना, आपके लिए थोड़ी है परमिशन। ये लेके आप घर का बल्ब से चलाने तो मैं ले तो खुद जाएगा ना आएगा। हेलो, ड्यूटी पे तो हो नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। ये तो ऑन ड्यूटी के लिए है, ऑन ड्यूटी के लिए तरह की बात है, जो शोभा नहीं है जो ऑन ड्यूटी होंगे। एक मैंने से कुछ नहीं कहा, ये कह रहा भगाते वाला आ रहा है ठीक है। ये फिर इस तरीके से लगा के भर्ती क्यों कर रहे हो?
उसके नाम से तो है नहीं। क्यों भाई उसके नाम से तो है नहीं, इस तरीके थोड़ी यहाँ पास होना चाहिए। बोलो गया है उसका पास टिकट था चला गया, क्या बता रीजन होना चाहिए आपके पास। बात करो बात करो, कौन है जो है जिन जो है यहाँ पे जिनको लेने आया हूँ जो नोएडा थोड़ी। हेलो अभी हम मौजूद हैं नोएडा अहरोला सेक्टर 5 की पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद सिंह की स्पेशल चेकिंग पे, जहाँ पर विनोद जी पूरी चेकिंग पे मुस्तैद हैं। और उस स्पेशल चेकिंग के दौरान कई कारें पकड़ी गई हैं, कई स्कूटर मोटरसाइकिल वाले पकड़े जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन किसी के पास ई पास नहीं है और किसी के पास जो है पूरी तरीके से परमिशन नहीं है। और जिसकी वजह से देखा जाए कि एक कार इन्होंने रोकी हुई है जो एक हेल्थ का EDMC का एक इमरजेंसी ड्यूटी का लोगो लगा हुआ है, वो उसको कह रहा है कि वो पास है। और किसी भी तरीके से हमने जब उनसे पूछना चाहा तो वो जो है गर्मी दिखाने लगे, जिस पर इंस्पेक्टर साहब ने उनको लेकर और समझाने की कोशिश की है। और उस गाड़ी के पास कोई पास नहीं है, अभी उनसे बातचीत चल रही है आखिर क्या है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट का आदमी है जिससे वो बात करा रहे हैं, देखते हैं उनका क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी को परमिशन नहीं है, इन्होंने फ़ोन करा के बात करने की कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं और इनका चालान काटा जा रहा है जो कि बिना परमिशन के गाड़ी रोड पे दौड़ रही है। और आप इस तरीके से जा रहे हैं, आपके परमिशन का है सर? परमिशन सर ड्यूटी से आए सर, कार्ड ऑफिस में बोल दिया 39 में ऑफिस से। नहीं आप ड्यूटी से आ रहे हैं, ड्यूटी के लिए तो ई पास इशू किया हुआ है ना जी? पास अभी मिला नहीं है सर। नहीं कैसे हो सकता है पास नहीं मिला है? नहीं है, पास के लिए अपनी अपील कर चुके हैं। नहीं इस तरीके से नहीं हो पाएगा ना, कैसे आप लोग ई पास के बिना कैसे? सोमवार को मंडे को बोला था सोमवार को मिल जाएगा पास। नहीं सोमवार को कैसे होता है, ई लाइन होता है वो तो तुरंत मिल जाता है सर। वो जो ठेकेदार है आपको पता है ना कि 2.5 लाख कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं देश के अंदर, इतना जबरदस्त भयानक बीमारी है, वो आप लोग बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं बताइए। बिल्कुल सर बिल्कुल केयर कर रहे हैं सर। कैसे केयर कर रहे हैं सर? कार्ड नहीं बनाना, हम ड्यूटी पे ही हैं, बस जा रहे हैं घर के लिए। नहीं तो ये कैसे चलेगा आपका सर? आप बताइए आपका हेलमेट कहाँ है भाई साहब? सर एक ही तो हेलमेट है।